हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में जो बॉटनी का होगा। और ये कल 9 जनवरी को कंडक्ट किया गया था, तो हम इसके कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे। पहला है, सिस्टोलिथ्स समटाइम्स डिपॉजिटेड इन द प्लांट सेल्स आर क्रिस्टल सॉप। तो पूछ रहा है कि कुछ प्लांट सेल्स में हमें सिस्टोलिथ्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है, केमिकली ये सिस्टोलिथ्स क्या है, ये पूछ रहा है। तो सिस्टोलिथ्स हमारा केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, जो कि कुछ प्लांट की लीव्स में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि फैमिली एकेंथेसी एंड अर्टिकेसी। और सिस्टोलिथ हमारा प्लांट में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के साथ साथ ही टैक्सोनॉमिकल टूल भी है। दैट मीन्स कि ये फैमिलीज या फैमिली के मेंबर को हेल्प आइडेंटिफाई करने में हेल्प भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिस्टोलिथ हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं, जो कि फैमिली एकेंथेसी में जनरली हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, जिब्रेलिन स्टिमुलेट और कॉज। तो जिब्रेलिन का मेनली फंक्शन है ग्रोथ को बढ़ाना या हाइट को बढ़ाना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है, बेकेनर डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ। तो इसका एसोसिएशन किसके साथ है बेकेनर डिजीज का, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी के साथ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है, द लोएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच इकोसिस्टम। तो लोएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें टुंड्रा में देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल नहीं होता ज़्यादातर स्पीसीज के लिए। कुछ ही स्पीसीज जैसे कि लाइकेन मॉसेस वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है, रेड डाटा बुक पब्लिश बाई IUCN कंटेंस। तो IUCN जो रेड डाटा बुक पब्लिश करता है उसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें सभी क्रिटिकली या इंडेंजर्ड जो भी हमारा IUCN की कैटेगरीज हैं, उन सभी कैटेगरी के वहाँ पे एनिमल्स या प्लांट दोनों को रखा जाता है, फ्लोरा एज वेल एज फौना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है, द रिक्सिया इज ब्रायोफाइट बिकॉज। तो पूछ रहा है कि रिक्सिया को हम एक ब्रायोफाइट कहेंगे क्यों, ऐसा क्या फीचर होगा ब्रायोफाइट का या रिक्सिया का, जिसकी वजह से हम उसे एक ब्रायोफाइट मानेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंड डी, क्योंकि दोनों होंगे यहाँ पे, लेकिन जिनने एग्जाम किया है वो इसे किस तरीके से आंसर देते हैं उन पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन सी है, इट हैज़ मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन, जो कि ट्रू है। जैसे कि यहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है, मल्टी सेलर हैं विद ए स्टराइल जैकेट, जिनके जो सराउंड के रहते हैं स्टराइल जैकेट को, जो कि वन लेयर थिक होती है, एंड लैक्स वेस्कुलर टिश्यू। तो ब्रायोफाइट में कोई वेस्कुलर टिश्यू होते नहीं है, स्टराइल जैकेट यहाँ पे होती है, मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन को जो सराउंड के रहता है। तो ये भी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्सिया इज ए ब्रायोफाइट, क्योंकि लोअर ब्रायोफाइट या लिवरवर्ट ऐसा नहीं पूछा गया है, सिर्फ ब्रायोफाइट की बात की गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली रिक्सिया के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है इट्स स्पोरोफाइट लेग डिफरेंशिएशन, जो कि सही है, क्योंकि रिक्सिया में जो स्पोरोफाइट है वो रिक्सिया के थैलस में एम्बेडेड रहता है, और वहाँ पर कोई जो हमारा स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएशन होता है ब्रायोफाइट में, जैसे कि फुट सीट एंड कैप्सूल में, वो वहाँ पर डिफरेंशिएशन लैग करता है। वहाँ पर सिर्फ हमें कैप्सूल देखने को मिलता है, वहाँ पर सीटा और फुट हमें देखने को नहीं मिलता, एंड हैज ए सिंगल लेयर्ड जैकेट। तो जैकेट सेल जो हमारी स्पोरोफाइट के सराउंडेड हैं, वो भी हमारा सिंगल लेयर्ड ही होती हैं। तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी एंड डी। उसके बाद है, द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश फंस फ्रॉम द अदर ग्रुप्स ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स इज द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने देखा नहीं बुक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और मुझे ये समझ में नहीं आया। यहाँ पे हमें पूछा गया है जो फन है, जो कि हायर ट्राइडोफाइट जिन्हें हम कहते हैं, अदर ट्राइडोफाइट से कैसे डिफरेंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में आंसर करना। उसके बाद है, अपॉन जर्मिनेशन द टिपिकल मॉस स्पोर डेवलप इनटू। तो मॉस का जब स्पोर जर्मिनेट होता है वो पहले प्रोटोनिमा स्टेज में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटोनिमा।
उसके बाद है टू टेक्सोनॉमिक स्पीसीज आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाई, तो पूछ रहा है कि इसमें दो टेक्सोनॉमिक स्पीसीज को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट मीन्स कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से दी गई हैं, तो हम टेक्सोनॉमिक स्पीसीज उसे कहेंगे जो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, इसलिए हम उन्हें आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, दे आर फेलियर टू इंटरब्रीड, दैट मीन्स दो स्पीसीज अलग अलग तब होंगी या टेक्सोनॉमिक स्पीसीज तब होंगी जब वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, अगर वो इंटरब्रीड करेंगी तो वो सेम ही स्पीसीज हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड बॉडीज कंपोज्ड ऑफ होल्डफास्ट स्ट्राइप एंड ब्लेड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा ब्राउन एल्गी का, जिसे हम फियोफाइसी या फियोफाइटा डिवीजन में रखते हैं। इसमें मेंबर हैं जैसे कि लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सारे इनका बॉडी डिवीजन होल्डफास्ट स्ट्राइप और ब्लेड में होता है, और यहाँ पर जो मेन पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द नंबर ऑफ सब यूनिट फाउंड इन प्रोटीन कवर ऑफ टोबेको मोजेक वायरस, तो जो टोबेको मोजेक वायरस है उसका अंदर जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बाहर से उसे प्रोटीन की डिफरेंट यूनिट्स जिन्हें हम कैप्सोमियर सराउंड किए रहती हैं, तो वो कैप्सोमियर का नंबर पूछा गया, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2130, 2130 यूनिट होती हैं कैप्सोमियर की, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है पॉलन ग्रेन इज, तो पॉलन ग्रेन क्या है पूछा गया है, इमेच्योर मेल गेमिटोफाइट, मैच्योर मेल गेमिटोफाइट, पार्शली मैच्योर मेल गेमिटोफाइट या लास्ट स्टेज ऑफ मेल गेमिटोफाइट, तो जो पॉलन ग्रेन है वो जब जर्मिनेट होता है हमारा स्टिग्मा पे तभी उसमें वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल का डिवीजन होता है, जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब बनाती है जबकि जो जनरेटिव सेल है वो उसमें डिवीजन होके वहाँ पर वो मेल गैमिट बनाती है, तो ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमिटोफाइट, तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए इमेच्योर मेल गैमिटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन की अगर हम से बात करें तो इमेच्योर मेल गैमिटोफाइट है, हालांकि सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है पार्शियली मैच्योर मेल गैमिटोफाइट, जो कि सिनोनिम तरीके से एक तरीके से सिनोनिम ही हैं ए और सी, तो ए और सी दोनों होना चाहिए। उसके बाद है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इस, तो जब भी हमें वायरस फ्री प्लांट्स चाहिए होते हैं तो हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, क्योंकि जो वायरस की एंट्री है प्लांट में वो उसके वेस्कुलर सप्लाई के थ्रू ही होती है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम इन सब में वेस्कुलर टिश्यू की सप्लाई नहीं होती, इसलिए हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद है द ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बीटी कॉटन। उसके बाद है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो ये कब आया था एग्जिस्टेंस में 1980 में। उसके बाद है विच होरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें अलग अलग जोन बनाए गए हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है उसे हम ओ जोन कहते हैं या ओ होरिजन कहते हैं, तो वो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक लिटर वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है जिसे हम रूबिस्को कहते हैं जो कि एक एंजाइम है इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजुगेटेड प्रोटीन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्टोन, जो कि एक कल्चर मीडिया में काम आने वाली चीज़ है, ये प्रोटीन नहीं है कंजुगेटेड। उसके बाद है व्हेन द सेल्स इज फुली टर्गिड इट इज, तो जब सेल एक फुली टर्गिड होगी तो इसका डीपीडी हमारा जीरो होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हमारा जीरो हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोएंजाइम, तो यहाँ पर सभी कोएंजाइम हैं एक्सेप्ट एटीपी, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज ए सोर्स ऑफ सेफ्रॉन, जैसे हम केसर कहते हैं तो ये प्लांट के स्टाइल और स्टिग्मा से हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है उस्पोर आर फाउंड
इन, तो उस पर हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है ऊ माइस्टीज फंजाई का, जो कि थोड़ा सा अलग है अदर फंजाई से। तो ऊ माइस्टीज का मेंबर यहाँ पे हमारा फाइटोप्थोरा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन लैकोपेरोन ऑफ ई कोलाई इस, तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीज एंड जो बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएस्टाइलेज हैं, तीनों एंजाइम हमारा लैक ओपेरॉन में इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट आइसोमिरेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज डन बाई, तो डीएनए की अनवाइंडिंग कैसे होती है, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है जी डबल ए डबल टी सी इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे ही कट करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। तो जो जी ए ए टी टी सी ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, किसके लिए है, इको आर वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के लिए है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाई, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद है द टॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस थुरेंजियंसिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट, तो जो बेसिलस थुरेंजियंसिस से टॉक्सिन जो हमारा बीटी कॉटन है उसके लिए जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया गया था उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके, तो जो बीटी कॉटन है या बेसिलस थुरेंजियंसिस बैक्टीरिया है वो कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, क्राई क्राई वन या क्राई सेकेंड क्राई थर्ड करके, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन हैं, उनमें से अलग अलग टॉक्सिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे जो जनरली सबसे फर्स्ट टाइम जो बीटी कॉटन से टॉक्सिन प्रोड्यूस किया था वो बॉलवर्म या अदर लेपिडोप्टेरा के मेंबर, जैसे कि जिनमें सभी मॉथ और बटरफ्लाई आ जाती हैं जनरली जो कॉटन को नुकसान करती हैं, उनके लिए इफेक्टिव था। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। हालांकि अगर हम बीटी टॉक्सिन की बात करें तो बीटी टॉक्सिन अलग अलग टाइप के हैं, जिनमें कुछ टॉक्सिन निमेटोड के लिए हैं, कुछ मॉस्किटो के लार्वा के लिए भी हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड यूजुअली मोर एक्यूमुलेट ड्यूरिंग ड्राउट, तो जो ड्राउट होता है जब प्लांट में स्ट्रेस होता है, ड्राउट का स्ट्रेस, तो वहाँ पर प्रोलीन हमारा ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है डीएनए कैन ऑब्जर्व यूवी लाइट ऑफ, तो डीएनए हमारा 260 नैनोमीटर की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी में अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस का अपना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना और क्लोरोप्लास्ट का अपना। उसके बाद है डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ, तो डीएनए स्ट्रैंड की जो एंटी पैरेलिटी होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ही होती है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लिखते हैं तो हम वहाँ पे 5' लिखते हैं, दैट मीन्स कि वो 5' पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जब हम उसे एंड करते हैं तो वहाँ पे 3' पे भी एक OH ग्रुप होता है, तो इसलिए वहाँ पे एंटी पैरेलिटी होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई, तो रेड रस्ट हमारा टी का होता है सिफेल्यूरस पैरासिटिकस के थ्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है द चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अलोंग एन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट रिप्रेजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिसे हम इको लाइन कहते हैं आई थिंक, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, इसके लिए अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी में से क्या पता कोई हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, इसे हम कहते हैं इको लाइन, जब इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट जैसे कि लैटिट्यूड मैग्नीट्यूड इनके अकॉर्डिंग अगर स्पीसीज का कंपोजिशन कम्युनिटी में चेंज होता है तो उसे हम इको लाइन कहते हैं, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी अलग चीज़ें हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बॉग मॉस, तो पीट मॉस या बॉग मॉस इज द कॉमन नेम फॉर स्फैग्नम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है रिडक्शन डिवीजन इन टेरिडोफाइट्स अकर हैं, तो टेरिडोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन कहाँ पे होता है, रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस, तो पूछ रहा है कि मियोसिस टेरिडोफाइट्स में कौन से स्टेप में होती है, प्रोथेलस इज फॉर्म जब प्रोथेलस बनता है, जब गैमिट बनते हैं, जब स्पोर बनते हैं, या जब सेक्स ऑर्गन बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब स्पोर बनते हैं, यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस हम इसे कहते हैं, जबकि जो एनिमल होते हैं उनमें गैमेटिक मियोसिस होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच फंजाई डिवीजन इंक्लूड क्लब फंजाई, तो बेसिडियो माइकोटीना को ही हम क्लब फंजाई कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
उसके बाद है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज सिचुएटेड एट, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है इससे पहले वाले PhD एंट्रेंस में आया था, तो फिलीपींस में सिचुएटेड है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है स्पीसीज दैट आर नो लॉन्गर नोन टू एग्जिस्ट इन द वाइल्ड बट सर्वाइव अंडर कैप्टिविटी आर नोन एज, तो इसे हम जनरली कहेंगे एक्सनिक्ट इन वाइल्ड अकॉर्डिंग टू IUCN कैटेगरी, क्योंकि वल्नरेबल इंडेंजर्ड और एक्सनिक्ट कैटेगरी तीनों हमारा IUCN की कैटेगरी हैं। हालांकि जो रेयर टर्म है वो IUCN की कैटेगरी की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन IUCN इसे यूज करता है रेयर उन एनिमल्स या उन स्पीसीज के लिए जो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं या कम देखने को मिलती हैं, इसलिए हम रेयर टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन ये IUCN की 8 कैटेगरीज में नहीं आता। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि ऐसी स्पीसीज जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं वाइल्ड में लेकिन कैप्टिविटी, दैट मीन्स कि अगर हम ह्यूमन उसे ब्रीड कराए या कल्टिवेट करें तो वो एग्जिस्ट अभी भी करती हैं, तो उसे हम एक्सनिक्ट इन वाइल्ड कहते हैं, जो कि यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो मुझे आंसर नहीं ये क्वेश्चन करेक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि एक्सनिक्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सनिक्ट मीन्स होता है जो उसका लास्ट मेंबर होता है वो भी डाइड है, तो ऑप्शन इसका कोई भी करेक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा। एक्सनिक्ट इन वाइल्ड इस यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है इन सम लिवर वर्ड स्पोर स्पेशल इज एडेड बाई, तो इलेटर ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हमारा स्पोरोफाइट में जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है मेनली लिवर वर्ड्स में। उसके बाद है पोलिनिया फॉर्मेशन इज कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ विच फैमिली, तो Asclepiadaceae जो फैमिली है वहाँ पे हमें पोलिनिया देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स मास ऑफ पोलन ग्रेन्स Asclepiadaceae में। उसके बाद है इन रेनकोस लाइफ फॉर्म द ट्री आर, तो रेनकोस के जो लाइफ फॉर्म का क्लासिफिकेशन है उसमें ट्री और जो श्रब्स हैं बड़े वो टॉल ट्री या श्रब्स वो किस कैटेगरी में आते हैं हमारा फेनेरोफाइट्स जो हमें दिखाई देते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है म्यूरीफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, तो म्यूरीफॉर्म कोनिडिया मींस जो कोनिडिया या स्पोर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेपरेटेड होते हैं दोनों तरीके से, तो ये हमें देखने को मिलते हैं अल्टरनेरिया में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पर्म बियस ओव्यूलेट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट कॉन्स ऑन सेपरेट प्लांट्स एंड हैज फ्लैशी कोटेड सीड्स, तो यहाँ पे जो हमारा मोटाइल स्पर्म है दोनों में देखने को मिलते हैं साइकोडोप्सिडा एंड जिंकोफाइटा, दैट मीन्स कि जिंको बायलोबा में, और यहाँ पे अलग अलग मेल एंड फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई दोनों अलग अलग प्लांट में होते हैं, दैट मीन्स कि प्लांट हमारा डाइसियस होगा दोनों, और फ्लैसी कोटेड सीड हमें जनरली मिलते हैं साइकस के देखने को, जैसे कि उसे हम कहते हैं सार्कोटेस्टा, जो सीड ऑफ साइकस होते हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है फ्लैसी उसे हम सार्कोटेस्टा कहते हैं, जबकि जो मिडिल लेयर होती है उसे स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं, जो सार्कोटेस्टा ही है जो सार्कोटेस्टा है उसे ही हम फ्लैसी कोटेड सीड कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी साइकेडोफाइटा। उसके बाद है व्हेन डीएनए सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है फंगल जीनस कॉमनली नोन एज रेड ब्रेड मोल्ड इज, तो रेड ब्लड मोल्ड ब्रेड मोल्ड हमारा किसके लिए यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, जो कि एक मॉडल ऑर्गेनिज्म भी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द डीएनए डिनेचुरेशन इन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट विच टेम्परेचर, तो जो डीएनए एम्प्लीकेशन या पीसीआर के जो तीन स्टेप हैं उनमें सबसे पहले वाला होता है डीनेचुरेशन, तो ये कितने टेम्परेचर पे किया जाता है 95 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, दैट मीन्स कि 92 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है टेम्परेचर। उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाई ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिशन अगर ऑक्सीजन की इंक्रीजमेंट से होता है तो उसे हम कहते हैं फास्टर इफेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नोन फॉर रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और यहाँ पे एक ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है परऑक्सीडेट, जैसे कि ग्लूकाथायोन परऑक्सीडेज भी इसका एग्जांपल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कंप्लीट नेम दिया नहीं है सिर्फ परऑक्सीडेज दिया है, तो ऑप्शन सी को हम मानेंगे सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, जिसे हम SOD नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी एन एडवांस कैरेक्टर इन इज इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में एडवांस कैरेक्टर पूछा गया है। एंजियोस्पर्म में कुछ कैरेक्टर एडवांस होते हैं, कुछ प्रिमिटिव होते हैं, उनमें से एडवांस कैरेक्टर की बात की गई है। तो यहाँ पर जो फ्री पेरियंथ है, एपोकार्पी कंडीशन है, सीड विथ स्मॉल एम्ब्रियो है, तीनों हमारा प्रिमिटिव कंडीशन के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो इन्फीरियर ओवरी है वो एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। इन्फीरियर ओवरी का मीन्स होता है एपिगाइनस कंडीशन, और एपिगाइनस कंडीशन एडवांस है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है, बेस्ट जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी अमंग द प्रोपेग्यूल्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलस ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन ग्लाइकोलिसिस कैटालिसिस इज ए रिएक्शन दैट इज इसेंशियली नॉन रिवर्सिबल। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जो एंजाइम है यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद है, मारिजुआना इज ऑप्टेन फ्रॉम। तो मारिजुआना जिसे कि हम गांजा कहते हैं वो कौन से प्लांट से हमें ऑप्टेन होता है? कैनाबिस सटाइवा से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है, इन ए सीड पेरिस्पर्म रिफर्स टू द रिमेनेंट्स ऑफ। तो सीड का जो पेरिस्पर्म होता है वो हम किसके रिमेनेंट्स को कहते हैं? तो सीड का जो पेरिस्पर्म होता है वो रिमेनेंट होता है न्यूसिलर इंट्यूबमेंट या न्यूसिलर का मॉडिफिकेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है, वर्सेटाइल एंथर एंड स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस आर प्रेजेंट इन। तो वर्सेटाइल एंथर और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस हमें मेनली पोएसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इन इट्स लीव्स। तो क्लोरोप्लास्ट का डाइमॉर्फिज्म हमें मेनली C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा बंडल सीड सेल और मेजोफिल सीड सेल दो टाइप की अलग अलग सेल होती हैं। तो जो बंडल सीड सेल है वहाँ पे अलग तरीके की क्लोरोप्लास्ट देखने को हमें मिलता है, जबकि जो मेजोफिल सेल है वहाँ पे अलग तरीके का क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जियामेज, क्योंकि जो कॉर्न का प्लांट है वो हमारा एक C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टोरस इज एसोसिएटेड। तो जो हमारा टोरस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो बॉर्डर्ड पिट्स से एसोसिएटेड है, जो उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है बॉर्डर्ड पिट्स की। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम फॉर आर्चीडोनिक एसिड। आर्चीडोनिक एसिड एक फैटी एसिड है, तो इसका करेक्ट नेम क्या है? 5, 8, 11, 14, जो कि कार्बन नंबर है, इकोसा टेट्रायोनिक एसिड। तो ये एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज नोन एज। तो जब क्लासिफिकेशन का जो बेसिक स्टेप है उसे हम अल्फा टॉक्सोनोमी कहते हैं, जहाँ पे हम प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं उसकी मोर्फोलॉजिकल फीचर को देख के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फा टॉक्सोनोमी। उसके बाद है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मे बी कॉज्ड बाय द म्यूटेजिन। तो जो यहाँ पे एक्रिडीन है, जो कि एक इंटरकलेक्टिंग एजेंट है, अगर वहाँ पे आ जाता है डीएनए में तो ये इंटरकलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है, द वर्ड इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय। तो वर्ड इकोसिस्टम फर्स्ट टाइम एजी टेंसले ने कॉइन किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है, डेस्मोट्यूब्यूल्स इज रिलेटेड टू। तो डेस्मोट्यूब्यूल हमारा प्लाज्मोडेस्माटा से रिलेटेड कनेक्टेड होते हैं प्लांट सेल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है, सिंथेटिक सीड्स कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज। तो सिंथेटिक सीड्स को हम ट्रू सीड नहीं कह सकते। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है, कैप्सेसिस आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो कैप्सेसिस हमारे जनरली होते हैं कैस्पेस सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक स्पेसिफिक प्रोटीएजेस होते हैं, जो एपोप्टोसिस में हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है, अर्गट इज ऑप्टेन फ्रॉम। तो अर्गट हमें कौन से फंजाई या प्लांट से देखने को मिलता है जनरली? क्लेविसेप्स परपूरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि एक एल्कलॉइड है। उसके बाद है, द रेड कलर ऑफ सी इज ड्यू टू द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो रेड कलर है किसी सी का, रेड सी का जनरली, तो वो एल्गी ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रेसियम की वजह से होता है, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है लेकिन रेड एल्गी नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
उसके बाद है यूबिस बॉडीज आर ऑब्जर्व ओनली इन, तो यूबिस बॉडीज हमें ग्रेंडुलर टेपिटम एज वेल एज सिक्रेटरी टेपिटम जो कि सिनोनिम भी हैं दोनों में देखने को मिल सकती है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच इज द रिचेस्ट ऑन इन डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी दोनों की अगर बात होती है तो हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पर ही आएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है स्पीसीज की और डेंसिटी भी, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट इसी तरीके से होता है। उसके बाद है द टर्म रिथिडोम, द टर्म रिथिडोम इज कॉमनली यूज फॉर, तो रिथिडोम हमारा आउटर बार्क ऑफ प्लांट के लिए यूज होता है जो कि जनरली डेड होती है, जो लिविंग के बाद का जो लिविंग टिश्यू होते हैं उसके बाद का जो डेड पार्ट होता है आउटर प्लांट की बाग का जनरली, या आउटर बाग जिसे हम कहते हैं उसे हम रिथिडोम कह सकते हैं। उसके बाद है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है स्यूडो इलेटर एंड कॉलमिला बोथ आर प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ, तो किसके स्पोरोफाइट में हमें स्यूडो इलेटर देखने को मिलते हैं एंथोसरस के, जहाँ पे कॉलमिला भी देखने को मिलती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा ऑफ रोजेसी एपिकलेक्सी इज प्रेजेंट, जो एपिकलेक्सी है जनरली फीचर है फैमिली मालवेसी का, जैसे कि हिबिस्कस के प्लांट में हमें एपिकलेक्सी देखने को मिलते हैं लेकिन रोजेसी में भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि फेजारिया और पोटेंशियला में, दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। फेजारिया हमारा स्ट्रॉबेरी है जबकि जो पोटेंशियला है वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी हम उसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एपिकलिप्स देखने को मिल जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, तो जो टर्म टैक्सोनॉमी है फर्स्ट टाइम एपीडी कैंडोले ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है इन ए जिम्नोस्पर्म प्लांट इफ 2n = 12, दैट मीन्स कि डिप्लॉयड सेट, अगर डिप्लॉयड सेट है वहाँ पे और वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स लीव्स फीमेल गैमेटोफाइट एंड कॉटिलीडन्स, तो यहाँ पे जो लीव्स और कॉटिलीडन्स है दोनों में सेम नंबर होगा जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वहाँ पे हैप्लॉइड होगा, दैट मीन्स कि 6 नंबर होगा क्रोमोसोम का, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है इन द सेल साइकिल द डिसीजन फॉर सेल डिवीजन अकर एट, तो डिसीजन फॉर सेल डिवीजन या जो सेल में जो सेल साइकिल होती है वहाँ पर माइटोसिस के लिए परमिशन कहाँ पर हमें मिलती है, G2 स्टेज में, क्योंकि G2 के बाद M आता है, M के बाद G1 फेज, G1 के बाद S फेज एंड देन G2, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, जबकि जो G1 है वो परमिशन देता है हमें DNA सिंथेसिस के लिए। उसके बाद है हेट्रोथेलिज्म इन फंजाई वॉज डिस्कवर बाई, तो ब्लैक्सली ने डिस्कवर किया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कार्बन सोर्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में सुक्रोज को सबसे अप्रोप्रिएट कार्बन सोर्स की तरह हम यूज करते हैं, और अगर सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तो प्लांट सेल सबसे पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेजेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले हमारा ग्लोबुलर स्टेज आएगी, देन हॉट शेप, देन टॉर्पिडो, देन कॉटिलीडनरी स्टेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है इन कैम प्लांट्स CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन द नाइट इज, तो नाइट में जो कैम प्लांट होते हैं उनमें CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और वहाँ पर जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो बनता है ऑक्सलोएसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है जो, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। उसके बाद है प्लांट सक्सेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग मैनर, तो यहाँ पर सीक्वेंस पूछा गया है सक्सेशन की प्रोसेस का, तो इसमें सबसे पहले होता है न्यूटेशन, देन इन्वेजन, देन ईएसिस, देन रिएक्शन, देन क्लाइमेक्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है टू ऑब्टेन नेकेड प्रोटोप्लास्ट फॉर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन द एंजाइम्स रिक्वायर्ड आर, तो जब प्रोटोप्लास्ट दैट मीन्स कि हम प्लांट की सेल से अगर प्रोटोप्लास्ट निकालते हैं दैट मीन्स कि उसकी सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो हमें सेल्यूलेज और पेक्टिनेज दोनों एंजाइम की जरूरत होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
उसके बाद है गाइनोबेसिक स्टाइल इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। तो गाइनोबेसिक स्टाइल हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लेमिएसी का। उसके बाद है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं जिनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है एंजाइम एसिलरेट ए रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो एंजाइम एसिलरेट कैसे करता है रिएक्शन को, या उसे उसका जो रेट है कैसे इंक्रीज कर देता है एक नॉर्मल रिएक्शन का, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेज, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं केमिकल रिएक्शन की, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर या सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहाँ पे सभी सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल हैं एक्सेप्ट ऑप्शन डी फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल, जो कि एक लिपिड मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन का कंपोनेंट। बाकी साइक्लिक जीएमपी डाईएसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम डीएजी कहते हैं, और ऑप्शन सी जो इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट है या IP3, ये तीनों हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। दैट मीन्स कि यहाँ पर सभी जीनोटाइप जो है हेटरोजाइगस कंडीशन में दिया गया है। तो जो हमारा गैमेट का फॉर्मूला होता है कि कितने इस हमारे दिए गए जीनोटाइप से कितने गैमेट बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है गैमेट इक्वल टू 2n। दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारा एन क्या इंडिकेट कर रहा है हेटरोजाइगस एलील को, हमारे जीनोटाइप में, सॉरी गैमेटोफाइट नहीं, हमारा जो जीनोटाइप होता है उसमें हेटरोजाइगस पेयर ऑफ एलील जितनी होंगी तो उसे हम एन से इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स कि गैमेट इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर चारों जो पेयर हैं वो हेटरोजाइगस ही हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलील हो जाएगा 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है इन प्रोटीन सिंथेसिस द फर्स्ट कोडोन इनवेरिएबली इनवेरिएबली इज AUG। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें फर्स्ट कोडोन हमेशा AUG ही होता है। द मॉलिक्यूल विच रिकॉग्नाइज दैट कोडोन इन प्रोकैरियोट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो पूछ रहा है कि अब स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट में कौन सा मॉलिक्यूल इसे रिकॉग्नाइज करता है AUG कोडोन को mRNA में। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन tRNA, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद है लिटमस यील्डिंग लाइकेंस इज नोन एज। तो लिटमस यील्डिंग लाइकेंस को हम रोसेला टिंक्टोरिया नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है द रेस्टिंग स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशन आर कॉल्ड। तो रेस्टिंग स्पोर जो बैक्टीरिया में होता है एंडोस्पोर बोलते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया की सेल के अंदर ही जनरेट होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है मोस्ट बैक्टीरिया विच कॉज प्लांट डिजीजेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो जो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं प्लांट्स में उनमें से जो मोस्ट बैक्टीरिया हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि इरविनिया हो गया, जेंथोमोनास हो गया, ये सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं जो स्पोर फॉर्म भी नहीं करते और इनका शेप रॉड शेप्ड होता है। उसके बाद है कंप्यूटराइज्ड प्लांट डिजीज वार्निंग सिस्टम कॉल्ड BLIT ब्लाइट कास्ट। तो ब्लाइट कास्ट हमारा जनरली पोटेटो से एसोसिएटेड है, पोटेटो की फाइटोप्थोरा जो इन्फेस्टेंट डिजीज कॉज करता है लेट ब्लाइट को जो डिजीज कॉज करता है उसका पहले से हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड में ये डिजीज हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ, जैसे कि टेम्परेचर वहाँ पर मेजर किया जा सकता है, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये सारी चीज़ों को मेजर करके हम पहले से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है तो पॉलन ट्यूब इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट यूजुअली इंटर द एम्ब्रियो सैक। तो जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ पे हमारा एक एक्सेल होती है, दो सिनर्जिड होते हैं जहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब इंट्री करती है। तो पूछ रहा है कि कैसे होगा वो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड, क्योंकि जो सिनर्जिड होते हैं दो होते हैं उनके बीच में एक्सेल होती है, और जब पॉलन ट्यूब इंट्री करती है उससे पहले ही एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है जो बाद में कन्वर्ट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। उसके बाद है द ब्रायफाइट गेमिटोफाइट आर। तो ब्रायफाइट का गेमिटोफाइट कैसा है,
इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पोरोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है जनरली लीफी होता है या ग्रीन होता है या इंडिपेंडेंट जिसे हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है अन एमएससी क्लास फर्स्ट मोलिक्यूल वॉज रन ऑन एन एसडीएच पॉलीक्रिमलाइड जेल, हाउ मेनी प्रोटीन बैंड विल बी ऑब्जर्व इन द जेल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वहाँ पर दो अलग अलग चेन होती हैं प्रोटीन की, हैवी और लाइट चेन, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। उसके बाद है सीरम आईजीएम कैन नॉट एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट बाय इट्सेल्फ बिकॉज, तो सीरम आईजीएम जो कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है इट्सेल्फ, वो खुद से ही क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है जो, और जो उसका एफसी रीजन है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इट इज प्लेनर इन विच कम्प्लीमेंट बाइंडिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट सेल वॉल, तो बिना सेल वॉल के इनमें से कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा है जो कि बैक्टीरिया से भी नीचे की कैटेगरी का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे बैक्टीरिया से भी माइक्रोस्कोपिक है और यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटी इसे लिविंग सेल हम कह सकते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स अकर ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम एट, तो ये मियोसिस में ही होगा, वो भी मेटाफेज फर्स्ट के ना कि सेकेंड के, क्योंकि अगर मेटाफेज सेकेंड की बात करें तो हमारा माइटोसिस की तरह ही हो जाएगा, जबकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है हमारा मियोसिस वन में होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी इन कंज्यूमर्स फूड दैट इज कन्वर्टेड टू देयर ओन न्यू बायोमास ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जबकि जो स्टैंडिंग क्रॉप या प्राइमरी प्रोडक्शन है अदर चीज़ें हैं, जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है यहाँ पे जो टोटल फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ ने अपना प्रोडक्शन बायोमास किया एक गिवन टाइम पे, ऑटोट्रॉफ के लिए सिर्फ यूज होता है हमारा स्टैंडिंग क्रॉप, जबकि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर के थ्रू जो कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर उन्होंने ट्रांसफर किया, तो ये डिफरेंस है इनमें, तो इसका ट्रांसफर होगा ऑप्शन डी सेकेंडरी प्रोडक्शन। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ, तो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट को रिकॉग्नाइज किया जाता है किस बेसिस पे, तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों होगा, द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज दे कंटेन, तो वहाँ पर स्पीसीज को एंडेमिक होना जरूरी होता है, एंड द डिग्री टू विच द इंक्लूडेड स्पीसीज आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, तो यहाँ पर ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो इनका नंबर कम है और वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए ऐसी स्पीसीज की। उसके बाद है कीस्टोन स्पीसीज इज वन दैट, तो कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है विच स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इट्स इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसका नंबर कम होने या उसका अबंडेंस कम होने के बावजूद भी वो अदर स्पीसीज की अबंडेंस को इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि कुछ स्पीसीज उस पर किसी न किसी तरीके से डिपेंड करेंगी। उसके बाद है फ्लोट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो फ्लोट हमारा जनरली पिटियोल या रैकी समोसे कह सकते हैं, उसका मॉडिफिकेशन होता है, जबकि जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है हम फ्लोक्लेड उसे हम कहते हैं, ये एक प्लांट का मॉडिफिकेशन है। तो ये है 100 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने क्वेश्चन काफ़ी जल्दी में डिस्कस किया है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।